Good morning, students. Today we will read about the parts of sentence. Yesterday we read about four types of sentence. Today we will read parts of sentence. So there are two parts of sentence. First is subject and second is predicate. Now see this sentence. This story is very interesting. यह जो स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग है. तो इसमें ऑर्डर देखिए, इस पूरी सेंटेंस में, पूरी लाइन में जो है किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, स्टोरी के बारे में. तो दिस स्टोरी और ये जो वर्ड है इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये वर्ड सभी इस स्टोरी के बारे में बातें कर रहे हैं. तो दिस इज द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, यानी काम को करने वाला. हु और व्हाट परफॉर्म्स द एक्शन, जो आदमी या जो कोई भी काम करता है वो कहलाता है सब्जेक्ट. नाउ प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए, जैसे स्टोरी के बारे में हमें बताया गया कि बहुत इंटरेस्टिंग है, प्रेडिकेट कहलाता है वो. सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा प्रेडिकेट कहलाएगा. वट एवर सैड अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. तो हमने जो चार टाइप के सेंटेंस कल किए थे, उन्हीं सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट को ढूंढना इस वीडियो में सीखेंगे. तो सबसे पहले आते हैं हमारे सिंपल असरेटिव सेंटेंस. उनमें सब्जेक्ट जो होता है मोस्टली सबसे आगे मिलता है और उसे ढूंढने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है मैंने एक, राम इज वर्किंग इन दिस फैक्ट्री. ये एक नॉर्मल ऑर्डर है और इसमें सब्जेक्ट जो है वो हमें सबसे पहले ही मिल जाता है कि राम एक फैक्ट्री में, इस फैक्ट्री में काम करता है. तो काम कौन कर रहा है फैक्ट्री में? राम कर रहा है. तो राम हमारा हो गया सब्जेक्ट. और राम के बारे में जो वर्ड, जो कुछ भी बताया जा रहा है इन वर्ड्स में, दैट इज प्रेडिकेट. तो समझ में आ गया, सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढना बिल्कुल ईजी है, वो ऑलमोस्ट यूजुअली वो सबसे आगे मिलता है. उसके बाद आता है सब्जेक्ट इन इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी हमारे जो अज्ञातमक वाक्य होते हैं, जो स्टार्ट होते हैं वर्ब के साथ या प्लीज़ के साथ, रिक्वेस्ट करनी हो तो प्लीज़ से शुरू होता है या फिर ऑलवेज से शुरू होता है अगर हमें सजेशन देना हो, तो उन सेंटेंसेस में हमारा सब्जेक्ट क्या होता है और कहाँ होता है? तो इट इज़ ऑलवेज यू बट नॉट स्टेटेड. इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो है हमेशा यू होता है. क्योंकि सपोज आप इम्पेरेटिव सेंटेंस बताइए कोई भी, जैसे हमने कहा डोंट मेक अ नॉइस, या फिर सिट डाउन, स्टैंड अप, गो देयर, कम हेयर, यानी इसमें जो कहा जा रहा है वो किसको कहा जा रहा है? कि यू must go there, you must open the door, you must sit down, you must stand up. तो आप इसमें you जो है हमारा सब्जेक्ट है और इसके लिए हमें उसकी सेंस को समझना पड़ता है और सेंस समझने के लिए we should change the sentence in simple sentence. तो उसकी सेंस के अनुसार उसमें अगर order है तो you must क्लिक करेंगे हम, अगर please है तो you are requested, है ना, You are requested to shut the door. और अगर always है तो हम कहेंगे कि you should close the door. तुम्हें दरवाजे को बंद करना चाहिए. तो in this way the subject is you. Now let's see in question or in interrogative sentence or exclamatory sentence में हम subject कैसे ढूंढें. तो जो question वाले सेंटेंस होते हैं या एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंस होते हैं उनमें जो वर्ड ऑर्डर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, चेंज होता है सिंपल सेंटेंस से. उसमें सब्जेक्ट जो है वो पहले नहीं आता जैसा कि हमारा यहाँ सिंपल सेंटेंसेस में होता था. उस तरह से हमें सबसे आगे सब्जेक्ट नहीं मिलता. उसमें क्या होता है, जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उनमें सबसे पहले या तो हमें हेल्पिंग वर्ब मिलती है या फिर WH फैमिली का कोई वर्ड मिलता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मिलती है. तो ये एक डेफिनेट ऑर्डर होता है और वो आपने कल सीखा होगा. अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस लिंक पर जाइए, मैंने
आज सुबह ही उसको अपलोड किया है, तो आप उसे देखिए। उसमें आपको क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं और उनका क्या ऑर्डर होता है, कौन से सेंटेंस ऐसे होते हैं जो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, ये मैंने उसमें समझाया है। आप प्लीज़ वो जाकर वो उस वीडियो को अवश्य देखें। तो यहाँ देखिए, हैव दे बॉट द बुक्स, क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि क्या, जब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है या मॉडल वर्ब सबसे पहले आ जाए तो इसका मतलब होता है क्या, क्या यानी कि यस और नो में हमें आंसर मिलेगा। तो हैव दे बॉट द बुक्स, क्या उन्होंने किताबें खरीदी हैं, क्या वे किताब खरीद चुके हैं, तो इसको हम सिंपल सेंटेंस में हम लिखेंगे और तब हमें फाइंड आउट कर सकेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। तो सिंपल सेंटेंस में करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो दे हैव बोट बुक्स या दे हैव बोट द बुक्स। तो अब जैसे ही हम इसको कन्वर्ट करते हैं सिंपल में तो हमारे सामने हमारा सब्जेक्ट आ जाता है एंड वी कैन ईजीली फाइंड आउट हु इज सब्जेक्ट। तो अब आप बता सकते हैं ना कौन सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट है दे और प्रेडिकेट, बाकी सारे वर्ड्स हमारे प्रेडिकेट हैं। समझ में आ गया आपको कैसे ढूंढना है। अब इसी तरह से एक्लामेटरी सेंटेंस जो होते हैं उनको अगर हमें ढूंढना हो, उनमें से अगर हमें सब्जेक्ट निकालना हो तो कैसे निकालो, उन्हें भी हम सिंपल स्टेटमेंट में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे देखो, हाउ नाइस यू आर, कितने अच्छे तुम हो, ऐसा कहा है उसने, और ये स्ट्रोंग फीलिंग को दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो ये हमारी स्ट्रोंग फीलिंग है इसकी जगह पे हम कोई एग्जैक्ट वर्ड एक यूज़ करते हैं कि वेरी, कर सकते हैं कि वेरी नाइस, बहुत ज़्यादा अच्छे हो तुम। तो इसको सिंपल में चेंज करते हैं, लेट्स चेंज इन सिंपल, यू आर वेरी नाइस। तो अब हमें मिल जाएगा हमारा सब्जेक्ट यू, यू इज आर सब्जेक्ट एंड यू आर हाउ नाइस, तुम कितने अच्छे हो, तो प्रेडिकेट, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। इन द सेम वे मे यू लिव लॉन्ग, तो यू मे लिव लॉन्ग, और यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्योंकि ये अब हमारा सिंपल स्टेटमेंट में चेंज हो गया है, एंड अगेन द सब्जेक्ट इज यू, क्योंकि यहाँ भी यू था यहाँ भी यू था, तो हमें अब अपना सब्जेक्ट मिल गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स डू सम प्रैक्टिस, कुछ प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड आउट द सब्जेक्ट, अब इनमें आप सब्जेक्ट ढूंढ के बताइए मुझे कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, अब जो इसमें जो है व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर कैसे ढूंढेंगे आप, इसमें सब्जेक्ट कौन है, किसका जिक्र किया गया है पूरे सेंटेंस में, किसके बारे में कहा जा रहा है। तो आप सिंपल शब्दों में अगर इसे चेंज करना चाहें तो इट इज अ फ्लावर दैट इज वेरी ब्यूटीफुल, है ना, या फ्लावर इज व्हाट ब्यूटीफुल, फ्लावर है कितना सुंदर, तो मेन हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा फ्लावर। अब इसको चेंज करके दिखाइए, टेल मी द ट्रुथ, अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार का सेंटेंस है। सबसे पहले तो आप ये बताइए मुझे, एक्सक्लामेटरी है, इम्पेरेटिव है, सिंपल है या फिर क्वेश्चन वाला है, बताइए। एक्सक्लामेटरी होता तो ये लगा मिलता, सिंपल होता तो सबसे पहले सब्जेक्ट मिलता, क्वेश्चन वाला होता तो पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होता, बट इसके पीछे तो फुल स्टॉप है और आगे सब्जेक्ट भी नहीं है, तो ये कौन सा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस, सीधा वर्ब से स्टार्ट है, ऑर्डर दिया जा रहा है, टेल मी द ट्रूथ, तो क्या पूछा जा रहा है, टेल मी द ट्रूथ। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट कौन होता है, जो दिखाई नहीं देता, जो बताया नहीं जाता, दिखाया नहीं जाता सेंटेंस में, वो होता है हमारा यू, तो यू मस्ट टेल मी द ट्रूथ। अगर हम इसको चेंज करते हैं तो इस प्रकार से किया जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज योर नेम, इसे आप सिंपल में चेंज करके देखिए, योर नेम इज व्हाट, योर नेम इज व्हाट, तो योर नेम इज आर सब्जेक्ट। राम इज इन द कॉर्नर, राम इज इन द कॉर्नर, कॉर्नर में है राम, तो बताइए सब्जेक्ट कौन है, कौन है कोने में, राम है कोने में,
तो डोंट थिंक दैट दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस, इट दिस इज बेसिक थिंग्स यू मस्ट लर्न बिफोर डूइंग नरेशंस, क्योंकि नरेशंस में आपको आगे जैसा भी सेंटेंस दिया गया होता है उसको सिंपल में चेंज करना होता है, और अगर आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी तो आपके लिए वो चीज़ें भी बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। तो डू प्रैक्टिस ऑफ दिस, इसी प्रकार से 4-5 वाक्य और लिखिए और उनको भी आप चेंज करके उनमें से सब्जेक्ट फाइंड आउट करने का प्रयास कीजिए। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय।